नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के, हिंदी भाषा के एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। रोचक विषय है मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं, क्या कुछ करना होता है, क्या ध्यान रखना होता है इसका प्रयोग करते समय, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के विषय बिंदु। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुहावरों का अर्थ कि मुहावरे कहते किसे हैं। इसके बाद मुहावरों की प्रकृति पर चर्चा की जाएगी कि मुहावरों की विशेषताएं क्या क्या हैं। तत्पश्चात हम मुहावरों के महत्व पर चर्चा करेंगे कि मुहावरों का महत्व कितना है, इंपॉर्टेंस क्या है मुहावरों की। मुहावरों को अंग्रेजी में इडियम्स कहते हैं। आइए जानते हैं मुहावरों के बारे में। आप सभी के गली में, पड़ोस में एक बहुत ही शरारती बच्चा होगा, वैसे ही एक बहुत ही शरारती बच्चा है जिसका नाम है राजू। राजू हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है। उनकी पड़ोसन आंटी बहुत ही दुखी हैं और वह राजू के मम्मी पापा से मिलने आती हैं। पड़ोसन आंटी राजू के मम्मी पापा से राजू की शिकायत करती हैं। वह कहती हैं कि राजू सिर पर चढ़ गया है और उसके पांव जमीन पर ही नहीं टिकते, वह तो आजकल हवा में ही उड़ रहा है तथा उसमें समझदारी आटे में नमक जितनी है। अब राजू भी छुपकर ये सारी बातें सुन रहा है, पर राजू को ये समझ नहीं आ रहा कि आंटी कौन सी कोड लैंग्वेज में उसके मम्मी पापा से उसकी शिकायत कर रही है। भाई वह तो उड़ ही नहीं सकता, उसके पंख नहीं है, है ना, और आटे की और उसकी समझदारी की तुलना क्यों की जा रही है, नमक से उसकी समझदारी की तुलना क्यों की जा रही है। राजू इन सब बातों से कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा कि आंटी उसके मम्मी पापा से यह सब क्यों कह रही हैं। शिकायत कहनी है तो सीधे कह देती, यह सब क्या बोल रही है, उसके तो समझ ही नहीं आ रहा। राजू की आंटी ने कहा कि राजू सिर पर चढ़ गया है, पांव जमीन पर नहीं टिक रहे उसके, वह हवा में उड़ रहा है और उसके पास समझदारी आटे में नमक जितनी है। क्या आप सभी इसका अर्थ बता सकते हो कि पड़ोस वाली आंटी राजू के मम्मी पापा से क्या शिकायत कर रही थी? दरअसल सिर पर चढ़ने का अर्थ होता है कि अनुपयुक्त को अधिक महत्व देना, यानी जो राजू है उसको उसके मम्मी पापा अधिक महत्व देने लगे हैं, इसीलिए वह किसी की नहीं सुनता। और पांव जमीन पर ना टिकना मतलब ऐठी या शेखी दिखलाना, यानी राजू किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता, बहुत ऐंठ कर बात करता है, है ना। और हवा में उड़ना, हवा में उड़ना मतलब अति आत्मविश्वास होना, यानी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, ओवर से ओवर कॉन्फिडेंस, है ना, तो वो घमंड जैसा हो जाता है, तो वह राजू में आ गया। और आटे में नमक मतलब बहुत ही कम। अब राजू की जो पड़ोसन है उसने कहा कि राजू के पास आटे में नमक जितनी समझदारी है, यानी समझदारी बहुत कम है, है ना। इस प्रकार यह सब बातें जो हैं वो राजू की पड़ोसन ने उसके मम्मी पापा से कह दी। पर क्या आप इस बहुत ही कूट लैंग्वेज को, इस बहुत ही गुप्त भाषा को सीखना चाहते हैं? इसे सीखने के लिए आपको हिंदी के मुहावरे सीखने पड़ेंगे। आइए जानते हैं कि मुहावरों का अर्थ क्या होता है। मुहावरों का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास, यानी ये मुहावरे जो हैं वो फारसी भाषा से हमारे बीच आए हैं, अरबी भाषा से हमारे बीच आए हैं और भाषा में व्यवहार से, अभ्यास से या रूढ़ हो गए हैं, और इसीलिए यह मुहावरे जो हैं वो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग बन गए हैं। मुहावरा जो है वो विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला वाक्यांश होता है और इसमें कोई पूरा वाक्य नहीं होता। मुहावरा जो होता है वो पूरा वाक्य नहीं होता, बल्कि वह वाक्यांश होता है। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसका प्रयोग हमेशा किसी ना किसी वाक्य में ही किया जाता है। ये हुआ मुहावरे का शाब्दिक अर्थ और उसका विशेष अर्थ। अब हम जानते हैं कि मुहावरों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, है? कि जैसे राजू की पड़ोसन है वो छिपा के तो कुछ बात बोल नहीं रही थी, तो उसे कोई गुप्त भाषा की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल मुहावरों की आवश्यकता बहुत ही अन्य
कारणों से पड़ती है। सबसे पहला यह है कि हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। आपने बहुत से लेखकों को पढ़ा होगा, जैसे प्रेमचंद, है ना, तो वो बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग करते हैं, तो इससे उनकी भाषा सुंदर बन जाती है, प्रभावशाली बन जाती है, पढ़ने वाले उनकी भाषा को और अच्छे से समझने लगते हैं। साथ ही इसका प्रयोग करते समय इसके शाब्दिक अर्थ से महत्व नहीं होता, विशेष अर्थ से महत्व होता है। तो यानी जब हम किसी मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो एक अलग ही प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, तो ये मुहावरे का विशेष अर्थ का प्रभाव होता है। साथ ही इनके विशेष अर्थ में कभी बदलाव नहीं होता, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं, है ना। जैसे अभी हमने पढ़ा आटे में नमक, आटे में नमक का अर्थ है बहुत ही कम, सीधा सीधा भी बोला जा सकता है कि राजू के पास बहुत कम बुद्धि है, बहुत कम समझदारी है। पर अगर इसे कहा जाए कि राजू के पास आटे में नमक जितनी बुद्धि है, समझदारी है, तो ये एक विशेष वाक्य बन गया और इसे पढ़ना सुनना बहुत ही अच्छा लगेगा, रोचक लगेगा। अब बच्चों, हम सभी मुहावरे का अर्थ समझ चुके हैं, मुहावरों की आवश्यकता समझ चुके हैं, तो अब क्या बचा है समझने के लिए? अब बचा है मुहावरे की प्रकृति, कि मुहावरे की प्रकृति क्या होती है, मुहावरे किस बात का प्रतीक होते हैं, मुहावरे से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं, वो हम जानते हैं। सबसे पहले मुहावरों की विशेषता, मुहावरों की प्रकृति एक ही है, तो आइए मुहावरों की विशेषता जानते हैं। सबसे पहले मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में किया जाता है, अलग से नहीं, यानी वाक्य के साथ ही मुहावरों का प्रयोग किया जाएगा, अलग से अगर कोई मुहावरा बोला जाएगा तो कोई उसका अर्थ नहीं बनेगा, कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इसके बाद मुहावरा जो है वो अपना असली रूप कभी नहीं बदलता, उसे पर्यायवाची में अनुदित नहीं किया जा सकता, यानी जैसे हम कहेंगे कि अंग टूटने लगा तो हम कहेंगे शरीर टूटने लगा, तो उससे अर्थ बदल जाएगा, तो हम ऐसे मुहावरों का प्रयोग नहीं कर सकते। साथ ही मुहावरे का शब्दार्थ ग्रहण नहीं किया जाता, उसका केवल विशेषार्थ ग्रहण किया जाता है। अब जैसे कहें कि राजू हवा में उड़ने लगा है, तो अब राजू के पंख थोड़ी ना निकल आए कि वह हवा में उड़ने लगा है। हवा में उड़ना दरअसल किसका प्रतीक है, आपको याद होगा, बिल्कुल अति आत्मविश्वास का प्रतीक है। तो राजू में अति आत्मविश्वास आ गया है, ना कि वह उड़ने लगा है। तो हमने शाब्दिक अर्थ ग्रहण नहीं किया बल्कि विशेष अर्थ ग्रहण किया। और मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार ही निश्चित होना चाहिए, यानी अगर मुहावरा जो है वो प्रसंग के अनुसार नहीं होगा तो भाषा बहुत ही अटपटी सी हो जाएगी, उसका अर्थ जो है वो बहुत ही घट जाएगा। आइए अब हम अन्य विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। मुहावरे हिंदी भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक हैं। कैसे? क्योंकि जो समाज जितना अधिक व्यवहारिक और कर्मठ होगा, उसकी भाषा में इनका प्रयोग उतना ही अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुहावरा जो है वो अभ्यास से आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका विकास होता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास ये जाता है। तो इससे ये पता चलेगा कि समाज कितना विकास कर रहा है सभ्यता के मापक के रूप में, तो ये हम मुहावरों से पता लगा सकते हैं। इसके बाद देश और समाज की तरह मुहावरे भी बनते और बिगड़ते हैं, है ना। जैसे आप जानते होंगे कि पहले चार सभ्यताएं थी, फिर वो सभ्यताएं किस प्रकार आज वर्तमान 200 से अधिक देशों में बदल गई हैं। इसी प्रकार मुहावरे भी बदलते रहते हैं अपने स्वरूप और अवस्था के अनुसार, और नए समाज के साथ नए मुहावरे आते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे मुहावरे आ गए हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इस पर नए नए मुहावरे बनने लगे हैं, तो ये भी हम देख सकते हैं कि इससे समाज की प्रकृति को, इससे समाज की प्रगति को हम मेजर कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। और हिंदी भाषा के ज्यादातर जो मुहावरे हैं, देखिए इसकी क्या विशेषता है कि इनका संबंध शरीर के अंगों से होता है, दूसरी भाषाओं में भी ऐसा होता है, यानी जो मुहावरे हैं वो अधिकतर शरीर के अंगों से संबंधित होते हैं। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप अब तक मुहावरों का अर्थ, मुहावरों का महत्व और इसकी विशेषताओं को समझ चुके होंगे। आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरा अरबी भाषा के एक शब्द से आया है जिसका अर्थ है पास पास बैठना, या फिर मुहावरे का अर्थ यह भी होता है अभ्यास,
कि अभ्यास से ही है जो वाक्यांश है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। और मुहावरों की आवश्यकता क्यों होती है यह भी हमने जाना, और मुहावरे की विशेषता क्या क्या है, इन सबकी भी भली प्रकार हमने चर्चा की। मुझे आशा है कि आपको मुहावरों के विषय में विस्तृत जानकारी इस वीडियो से मिली होगी, और घर जाकर आप अपनी पाठ्य पुस्तक से विभिन्न मुहावरों को रेखांकित करेंगे, उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, उसे याद करने का प्रयास करेंगे, उसे अपने भाषा में प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। अगली वीडियो में हम मुहावरों को और अच्छे से समझेंगे उदाहरण सहित। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुहावरों का अभ्यास करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।